वहीं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के रशीद कंपाउंड ईरानी इमामबाड़े में पुलिस ने नशीला पदार्थ बरामद किया था। स्थानीय लोगों में अब पुलिस की इस कार्रवाई से काफ़ी सहमति स्थानीय लोग जता रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि पुलिस को इस तरह की कार्रवाई हमेशा करनी चाहिए क्योंकि यहाँ से काफ़ी नशीले पदार्थ की बिक्री होती थी और स्थानीय लोग काफ़ी इससे परेशान थे। इमामबाड़े से नशीला पदार्थ रख कर बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग स्थानीय लोग कर रहे हैं और आज स्थानीय लोगों के साथ रेहान पीतलवाला, मौलाना अयूब साहब और तमाम महिलाएं नशा बेचने वालों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सामने आए। ईरानी समुदाय का ये इमामबाड़ा है और यहाँ से नशीले पदार्थों को बेचने का मामला सामने आया है। दरअसल मुंब्रा पुलिस स्टेशन के PSI हर्षद काले और उनकी टीम ने कल रात में ही पुलिस ने इस मामले का भंडाफोड़ किया था, मगर अब सवाल उठता है कि इस इमामबाड़े के ट्रस्टी कहां पर हैं, ट्रस्ट आखिर क्या कर रहा है, कैसे एक धार्मिक स्थल में कुछ लोग नशीला पदार्थ लाकर रखते हैं और उसे बेचने का कारोबार करते हैं। बहरहाल मुंब्रा पुलिस ने छापेमारी कर रात में ही इसका भंडाफोड़ किया था और अब मुंब्रा पुलिस में स्थानीय लोग और रेहान पीतलवाला, मौलाना अयूब आज मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दादाहरी के चौरे से मुलाकात कर उन्हें मेमोरेंडम सौंपेंगे कि जो लोग इस इमामबाड़े में इस तरह का कारोबार करते थे उनकी गिरफ्तारी की। अयूब भाई, कल पुलिस ने यहाँ पर छापेमारी की थी और बड़ी संख्या में कुछ नशे के पदार्थ, कोरेक्स वगैरह यहाँ से पुलिस ने बरामद किया। स्थानीय लोगों को भी नशीलियों से यहाँ पर काफ़ी तकलीफ होती थी और जिस जगह से जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर जो है नशे का कारोबार किया जा रहा था, इसका खुलासा हुआ है, क्या कहेंगे आप? मैं तो सबसे पहले पुलिस को मुबारकबाद दूँगा कि नशे के खिलाफ जो मुहिम उन्होंने पूरे मुंब्रा कौसा के अंदर चालू की है उनको मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। इससे पहले बात यह है कि इस कमिश्नर साहब से हम लोगों ने, मैं, रेहान भाई, पापाला, मुंब्रा कौसा के उलमाए किराम सब मुलाकात करके इस ताल्लुक से बाकायदा मुहिम चलाए गए और इसमें बाकायदा बहुत कामयाबी भी मिली थी। और जो ये इलाके में चल रहा है या इमामबाड़े के अंदर हुआ है, ये नशे के ऊपर जो भी मामला है, ये बहुत गलत है और मैं पुलिस से दरख्वास्त करूंगा कि पूरे इलाके में इस तरीके से इसके ऊपर कार्रवाई करें। रेहान भाई, जो धार्मिक स्थल है इसके जो ट्रस्टी हैं, क्या इन लोगों से आपकी कुछ बातचीत हो पाई है कि ट्रस्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि क्या हो रहा है जिस चीज़ के वो ट्रस्टी हैं, तो ऐसे में कुछ बातचीत हुई है, उन लोगों ने कुछ कहा है आपसे, हुई बात? देखिए, अभी तक के हमारा उनसे रास्ता कायम नहीं हो पाया है और आप ये भी एक चीज़ समझें कि एक के करने से पूरा मोहल्ला या पूरे लोग बदनाम नहीं हो सकते। इसके अंदर जो कसूरवार है वो सामने आ ही जाएगा, मुंब्रा पुलिस स्टेशन उसकी इंक्वायरी कर रही है। और मैं आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहूँगा कि ट्रस्टी, जो इस इदारे के ट्रस्टीज़ हैं, वो भी एक मीटिंग लें और इस सबसे बड़ी बात है, गौर फिक्र का ये मौजू है कि जो इसके अंदर हासिल है या जो इसके अंदर शामिल है उसको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि एक की वजह से पूरा इदारा बदनाम हो रहा है, एक की वजह से होने की वजह से पूरा मोहल्ला, पूरा शहर बदनाम हो रहा है। तो मैं मेरे ट्रस्टी हजरात से, जो यहाँ के ट्रस्टी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अगर इसके अंदर कोई आपको समझ में आ रहा है कि किसी का हाथ है तो उसे फ़ौरन हटाया जाए। मैं उस ट्रस्ट से भी अपील करूँगा, वहाँ के मुकामी लोगों से भी अपील करूँगा, हमारे मोहल्ले वालों से भी अपील करूँगा कि, और इंशाल्लाह आपके चैनल से मैं ये बात बताते चलूँ कि इंशाल्लाह आज हम लोग पूरे इलाके के लोग, हमारे जिम्मेदार, हमारे उलमाए करम, हमारे नौजवान सब मुत्तहिद है और इसके आगे हम लोग इंशाल्लाह इस किसी भी तौर का पूरे रशीद कंपाउंड में कोई भी नशे का मामला, कोई नशे का कारोबार अल्लाह ने चाहा तो नहीं चलने देंगे इंशाल्लाह। रहने वाली है किस तरह से जो नशा करने वाले लोग हैं, जो नशा बेचते हैं, उनसे आपको किस तरह की परेशानियाँ हो रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, हम लोग यहीं गुलशन फिरदौस में रहते हैं, इमामबाड़े के बाजू में चाली है। जो नशे करते हैं हम लोग को बहुत तकलीफ होती है, रात में 12-1 बजे तक के हम लोग को सो नहीं पाते, कहीं से भी देखो कहीं से भी भागते दौड़ते रहते हैं, हमारे बच्चे भी सेफ नहीं आते जहाँ तक हो, यहाँ पर नशेकारी कम बंद होता है। अस्सलाम, यहाँ पर नशा नहीं होना चाहिए, जो नशा हो रहा है हमारे बच्चे बिगड़े, जवान बच्चे, अच्छी बात नहीं है। जो कार्रवाई की कल रात में उसको लेकर क्या कहेंगे? पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद देते हैं उनको जो उन्होंने पकड़े, ये बस हमारे बच्चों की भी हिफाजत करे सब लोगों की,
जो हो रहा है ये नहीं हो बस। अच्छा, परेशानी कैसी होती थी जो यहाँ पर नशा करते लोग हुड़दंग मचाते थे? तो जगह जगह छोकरे जमा हो जाते, छोकरे जमा हो जाते, नशा करते, कुछ भी बकवास करते चलते, ये परेशानी होती है। उसमें हमारे बच्चे भी यहाँ पर शामिल होते, वो भी खड़े रहते हैं, तो उनके लिए भी हमको एक डर लगा रहता है कि हमारे बच्चे भी नहीं बिगड़े। बस ये परेशानी है, बस ये बंद हो।